ज्ञान सागर इन वास्तु टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक वास्तु टिप्स इंटरेस्टिंग टॉपिक बता रहा हूँ। जेब में ना रखें ये चीजें हो जाएंगे कंगाल। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ज्योतिष वास्तुशास्त्र वशीकरण रिलेटेड वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों हम अपनी पैंट या जींस की पॉकेट में कई ऐसी चीजें रखते हैं जैसे छुट्टे, पैसे, पेन, रुमाल, एटीएम की पर्चियां, घर की चाबी इत्यादि। कई बार जेब में जरूरी सामान रखकर हम भूल भी जाते हैं जो कपड़े धोते समय मशीन के साथ धुल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र, जिसे ज्योतिष शास्त्र की बेहद खास विद्या मानी गई है, जो हमारे जीवन को सुख से भरने के काफी काम आती है। इसके अनुसार ऐसी कई वस्तुएं हैं जिन्हें हमें अपने जेब में भूल से भी नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र सकारात्मक एवं नकारात्मक ऊर्जा के बारे में बताता है, तो जाहिर है जेब में रखने वाली वस्तुओं भी इन्हीं दो सिद्धांतों से जुड़ी हैं। तो आइए आपको बताता हूँ ऐसी वस्तुओं के बारे में जिन्हें हमें पॉकेट में कभी नहीं रखना चाहिए, जिससे हमें आर्थिक नुकसान हो सकता है। किसी भी चीज का बिल, फिर चाहे वह खाने पीने का खर्च किया हुआ हो या फिर आपके घर ऑफिस के बिजली का बिल हो, इसे अपनी जेब में रखकर न घूमें। ये बिल निगेटिव एनर्जी को न्योता देते हैं और आपके आर्थिक जीवन के ऊपर संकट पैदा करते हैं। ऐसी तस्वीरें जिनमें गुस्सा, ईर्ष्या, विरोध की भावना हो, इन्हें जेब में न रखें। इन्हें घर के भीतर भी न लाएं। यह हमारे आसपास की बुरी ऊर्जा को विकसित करती है। आप अपनी जेब में पर्स तो जरूर रखें, लेकिन यह पर्स बिल्कुल सही होना चाहिए। पर्स कहीं से कटा फटा ना हो, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार फटा हुआ पर्स आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति पर अटैक करता है। जेब में यदि नोट रखे हैं, तो उसे सही तरीके से रखें। नोट को बुरे तरीके से मोड़ कर रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं है। हमारी जेब में अक्सर टॉफी या चिप्स के पैकेट होते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार खाने पीने की चीजें जेब में कभी नहीं रखनी चाहिए। इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। दवाओं से निकलने वाली ऊर्जा व्यक्ति के ऊपर निगेटिव प्रभाव करती है, इसलिए जेब में इन्हें भी रखने से बचें। पिन, चाकू, सुई, ऐसी कोई भी वस्तु जेब में न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार नुकीली वस्तुओं को घर में भी रखना अशुभ होता है, लेकिन रसोई में इसे रखने से बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि घर का वह कोना अग्नि तत्व वाला होता है। ऐसी चीजें जिनका धार्मिक महत्व, जैसे कि मौली, कलावा, सिंदूर इत्यादि, को जेब में रखकर ना घूमें। यदि ये इस्तेमाल करने के लिए ना हो, तो इन्हें घर के मंदिर में या फिर किसी भी मंदिर में जाकर रख दें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।